सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हैप्पी रिपब्लिक डे। सो गाइस, यहाँ पे चाय का नाश्ता, चाय बन रही है और ये साइड में नाश्ता बना रही थी। मैं ये कचरी तल रही थी, मुझे नहीं पता आप लोगों के यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट मैं इसे कचरी ही बोलती हूँ। ये मैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, सबके लिए तल रही थी। मैं बाज़ार से लेके आई थी, नॉर्मली मार्केट से आराम से मिल जाती है। और एक साइड में देखिए आप, मेरी चाय और कचरी दोनों चीज़ रेडी हो गई है। ये इशू भेल पूरी टाइप्स कुछ बनाना था, नमकीन के पैकेट ला के उनमें टमाटर, प्याज और हरी मिर्च तीनों चीज़ें डाल रहा था। तो इसका और इसके पापा का ये मन था, आप देख सकते हो कितने उससे बना रहा है ये। अभी इसमें थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, ये यहाँ पे कह रहा था हमें, मुझे मत लेके आओ सुबह। कैसे बच्चे हैं यार, लोग में भी आने को तैयार नहीं है क्योंकि सुबह उठा ही था ना इसीलिए। सो गाइस, यहाँ पे चाय चल रही है, हस्बैंड की चाय बहुत ज़्यादा हो गई है थी, जिसके लिए मैं उन्हें दूसरी कटोरी दे रही थी और मैंने सारी हटा दी। ये देखिए कैसी लग रही है आप लोगों को, कैसी बनाई है। शक्ल से तो अच्छी लग रही है, खाने में भी टेस्टी थी। वैसे इसमें सॉस वगैरह सब कुछ मिक्स कर दिया, इसमें मसाले वगैरह में इसने चाट मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा नमक वगैरह नहीं डाला था, बाकी थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था। इसने हरी मिर्च कटवा के डाल दी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें ही बना लेता है, मैगी वगैरह भी बना लेता है। और गाइस ये देखो, यहाँ पे मैंने ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना रखा है। मुझे बनानी थी मटर पनीर की सब्जी और एक स्पेशल चीज़ बच्चों के लिए, नान। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, देखिए। तो गाइस ये सब्जी रेडी हो जाएगी और उसके बाद मैंने सैलेड काट के रखा था, प्याज मैंने नमक मिर्च डाल के और पानी ठंडा करवा के मैं नान के साथ सब्जी रखी और सर्व करके दे दूँगी सभी को ऐसे ही। तो गाइस मैं इसे यहाँ पे भूनती रहूँगी अच्छे से, और मुझे लग रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे से भून गया है। ये मैं थोड़ी दूसरी साइड में अपनी सास के लिए रोटी बना रही थी, तो मैंने सोचा कि ये अच्छे से भून जाएगा। पर ये देखो, ये थोड़ा सा है ना, कुछ थोड़ा सा या थोड़ा ज़्यादा सा है ना ब्राउन हो गया। बाकी फिर ये होने के बाद मैंने, आप देख सकते हो, मैंने साथ के साथ फिर इसमें टमाटर की जो ग्रेवी मैंने बनाई थी, हरी मिर्च और टमाटर मिक्स मैंने वो डाल दिया। तो गाइस मैंने यहाँ पे, आप ये देख रहे हो, मैंने इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च तीनों चीज़ें इस तरह डाल दी थी। मैं इसे ऐसे ही चला दूँगी और इसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद गर्म मसाला भी डालूँगी, और मैगी मसाला तो मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि उससे थोड़ा चीज़ों में टेस्ट आ जाता है इसीलिए। बाकी जब तक इसमें साइडों में ना, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ फिर थोड़ी देर में, ये देखिए इस साइडों में तेल छोड़ने लग जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका मसाला अच्छे से भुन चुका है। और जब ये साइडों में से तेल छोड़ने लगेगा तो मैं इसमें थोड़ी सी मलाई डाल दूँगी। आप मलाई डाल दो तो टेस्ट अच्छा आएगा, दही डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं मलाई यूज़ करती हूँ तो मैं मलाई ही डालूँगी। ये देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच मलाई डाल दी है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, साथ के साथ मिक्स करने से ये फ़ायदा है कि फटेगी नहीं, फट भी सकती है, इसीलिए हम इसको साथ के साथ चला देंगे अच्छे से। और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि इसमें जो हमने मलाई डाली थी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दी, मटर डाल दिया, और ग्रेवी जितनी आपके अकॉर्डिंग हो सके आप उतना रखो, मुझे जितनी थिकनेस चाहिए थी मैंने उतनी रखी है। सो गाइस यहाँ पे सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, बस सीटी लगवानी है। मैं कुछ सीटियाँ लगवा दूँगी और दूसरी साइड में देखिए मैंने यहाँ पे आटा ले रखा है, मतलब सॉरी मैदा और आटा मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। ये मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है, और ये मेरी एक मिनट का पैकेट है, मैं ये भी डाल रही हूँ।
क्योंकि अगर खाने वाले सोडा ना हो तो आप चीज़ी डाल सकते हैं। उसके बाद ये देख लो मैंने दही डाली है इसमें, मैं अच्छे तरीके से अब इसको मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें ऑयल भी डालूँगी, 2 चम्मच मैंने ऑयल भी डाला है, ये देखिए मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी अच्छे से और इसको मिक्स करके फिर मैं इसे गूँथ के, ये देखिए मैंने गूँथ लिया था, बाकी मैं इसे कुछ देर के लिए रख दूँगी। और ये भाई मैंने देखिए नान बनाना शुरू कर दिया, मैंने एक नॉर्मल रोटी की तरह बेला, फिर साइड पे मैंने हरा धनिया थोड़ा सा लगा के उस पर चिपका दिया अच्छे से पीछे करके, फिर मैंने ऐसे पानी लगाया है और मैं अब इसे तवे पे डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि तवा इसके लेवल का ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल हमारा रोटी सेकने का तवा होता है हम उस पर भी आराम से बना सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है ये। अब ये देख रही हूँ बुलबुलें से आ रही हैं, मैं इसको पलट दूँगी क्योंकि ये नीचे से सिक चुका है। नीचे से सिकने की पता चल जाती है जब बुलबुले उठते हैं ना, तो समझ जाइए कि नीचे से सिक चुका है। मैं उल्टा तैयार करके इसको इधर से भी अच्छे से सेक लूँगी। सो गाइस देखिए ऊपर से अच्छे से सिक गया है और मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे से भी अच्छे से सिक गया। अब घी के साथ ये देखिए यहाँ पे प्याज, हैप्पी बर्थडे, हम बॉनफायर पार्टी करेंगे आज, मैं और मेरी बहन और मेरे भाई बाहर से सामान लेके आएंगे, कुछ ये घर पे बना रहे हैं। ये भी क्या बना रही है नू, ये पास्ता बना रही है, पास्ते में क्या क्या डाला है, जीरा हल्दी नहीं अनु ने पहले जीरा डाला है, फिर इसने लहसुन डाला है और अदरक डाला है इसमें। अब ये जब तक भुनेगा तब तक ये गिरा 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 जब तक ये भुनेगा, भून छपाई है नू, ये भुन गया है। अब अनु इसमें प्याज डाल देगी, ओ पास्ता के लिए प्याज भून लिया और अभी एक साइड पर टमाटर काटेगी, ये देखिए कितने टमाटर डालेगी, कितने पास्ते में, 3-4 पैकेट पास्ते में, 4 पैकेट पास्ते में 3 टमाटर डालेगी, कितनी टाइम काफी है बहुत। और मिर्च स्वाद के अनुसार मिर्च डालें आप लोग, जितने आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं स्वाद के अनुसार नमक होता है, अगर आपको मुंह जलवाना है तो आप जितनी ज्यादा उतनी डालो। ये हमारे घर का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है, इससे ज्यादा ये अनु की प्याज भून चुकी है और ये अनु ने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्च भी, अब जाएगा नमक, अब नमक जाएगा और ये भेजने के लिए अनु इसे तैयार कर रही है आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, पूरी डाल दें, स्पाइसी तो बननी है, नहीं हम स्पाइसी नहीं खाते, हरी मिर्च तीखी नहीं है इसलिए लाल मिर्च हमने डाल दी इसमें ताकि थोड़ा तीखापन आ जाए। बना ये रही है, बता मैं रही हूँ, ये नहीं मुझे पता नहीं, डाल लें और ही कैसी है, और सबका फेवरेट मैगी मसाला, ये इसका मैगी मसाला डल रहा है, ये देखो गाइस, ये देखो मैं एक चीज दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखो ये इनका खेल देखो कैसे खेलते हैं गद्दों में,
एक दूसरे पे चढ़ चढ़ के WWE खेलते हैं। कैसे कैसे बच्चे हैं ये, आप लोगों के घरों में भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं? तो गाइस ये अंश है, ये देखो अन्नू ने लगा दिया। चिल्ली रेड वाली नीचे है, वो खत्म हो गए। शर्म नहीं आई तुझे? गाइस जी इतनी भुक्कड़ है कि सोस खा जाती है रूफियां, बताओ ऐसी भी कोई लड़की होगी? ये कौन सी है? टमाटो केचप भी है पर ये तो बाद में डालेगी। बस तो गाइस जी इसने थोड़ी सी डाली है केचप, ये रेड रेड हो गया। अब ये इसमें इतना सारा पास्ता डाल देगी, ये देखने में इतना सारा है बट ये थोड़ा सा है। तो प्याज टमाटर की सब्जी है, अगर आपने खाई होगी तो कमेंट में जरूर बताना। ये हमारे घर का हेड है जो भी मैंने दिखाया था कि क्या कर ऐसा नहीं करता है। राम राम भाई, सारे भैया ना भाई। इनको पास्ता बनाना नहीं आता है, पहली बार ट्राई कर रही है। इनकी मम्मी बनाने नहीं देती थी इनको पास्ता। गाइस ये ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी क्या रेडी हो ही गया, ये बन ही गया। अब खा के देख लेते हैं ये कैसा बनना है, टेस्ट तो करके देख। नमक ये लो, ये ऐसी लड़की है, ये देखो कढ़ाई में से उठा के ऐसी चख लेती है। कैसी बनी है? मस्त है, क्योंकि इसने बनाई है ऐसा इसका कहना है। बाकी अब बच्चा पट्टी खाएगी तब पता चलेगा कि कैसी है। वहाँ पे कशिश मैगी बना रही है, यहाँ पे ये पास्ता बना रही है। सो गाइस बने रहिए, आपके लिए अब पार्टी है, पार्टी में इंजॉय कीजिए। इनकी पार्टी की टाइमिंग कितने बजे की अनु? 8 बजे। 8 बजे से 10 बजे तक डांस, क्या क्या होगा उसमें पार्टी में? करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या। ये एंजॉय करने वाले हैं आज रिपब्लिक डे, फुल मस्ती। जो ये न्यू ईयर पे करने वाले थे वो ये आज करेंगे। न्यू ईयर पे अपने मामा के यहाँ पे चली गई थी घूमी घूमी करने, बट अब ये सारे फैन भाई यहाँ पे मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस टोटल ये कितने फैन भाई हैं, 7। यस 7 हैं, जो 2 नहीं होंगे क्योंकि वो बड़े हैं, वो इन लोगों की पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है। 3 छोटे छोटे हैं, 3 छोटे हैं और मैं भी बड़ी हूँ। ये सबसे छोटी है। बस बन गया, ओके हम गैस बंद कर देंगे। ओके बाकी की अब चीजें दिखाएंगे हम आपको कि और क्या क्या सामान है खाने में। बने रहिए आप लोग हमारे व्लॉग में, तो चलिए दिखाते हैं। हे गाइस, हाय, से हाय लेडी, यू किसकी वो बैठी है? नहीं अभी हम चारों खा रहे हैं, मुंह तो दिखा दे। वो ये मुंह नहीं दिखाती हमने। हाय बच्चा पार्टी, शिकाजीश, गौरव, अंश, अनु, वो हमारी किट्टो, किट्टो भी पार्टी कर रही है हमारे साथ। पार्टी में शुरुआत हुई है खाने से, रोटी सब्जी नहीं, क्या खा रहे हो तुम लोग? पनीर और नान चल रहा है। सो गाइस देख लीजिए आधी रात में इन लोगों की पार्टी चल रही है अग्नि देवता के साथ।
वो भी ये पता नहीं किसकी बहू है, आग बुझाने में लगी पड़ी है। तुम्हें पता नहीं था दीदी कि मैं क्या करने वाली हूँ, कि मेरा ब्लॉग चलेगा कंटिन्यू। बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। यस बड़ी मम्मी आप दरी पे तो बैठने से रही, खड़ी हो, मैं आपके लिए मैट बिछा देता हूं। रहने दे, बैठी है बड़ी मम्मी, इंगे हो लेगी थोड़ी सी, इधर हो जाएगी। ओ भाई साहब दरी फूकोगी, पिटवाओगी के? अरे यो तुम अपना घूंघट उठा सकती हो, मैं नहीं दिखाऊंगी ना, उठा दो। क्या कह रही हो, मैं खुद ही उठ जाती हूँ, घूंघट नहीं उठाती। ये देख लो भाई, किस किस की जेठानी ऐसी है, मुझे काम चोर बता रही है, मैं व्लॉग बना रही हूँ, छोटा काम है। गाजी किट्टो को देखो, कोई नहीं दे रहा, ये बेचारे इंतजार कर रही है कि पार्टी में मुझे भी कुछ खिलाया जाए। इसे इनविटेशन तो दे दिया आने के लिए, पर इसे खिला कोई कुछ नहीं रहा। दीगा थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा मुंह देख लिया अच्छा खाओ। ये मेरे से नहीं खुलेगा ना, ले नहीं दिखाऊंगी भाई। यू तो कती धरती पाट रही है, देख लो इस बहू को कती बिगड़ैल हो रही है, कसम से नहीं बनाऊंगी। ये देख लो किस किस के घर में ऐसे मेंबर हैं, देख लो जो अपने घर के मेंबरों की रिपोर्ट करने में लगी पड़ी है। गाइस ये देखो, गौरव बेचारा बहुत देर से बोल रहा है कि वो मैगी खाना है। अरे ये देख लो सिनोली वाली ने की आग वाली है खतरनाक। मेरा हाथ टूट जाएगा खोलते खोलते। खा ले यार, ये आग ही आग नहीं, ये बोतल खोलनी भी जानती है। हाँ बस ये अलग है कि अपनी नहीं खुली, जैसे डॉक्टरों पे अपनी दवाई नहीं होती ना, अपना इलाज नहीं होता। गाइस ये देखो कितनी रात हो रखी है, ये देखो और टाइम हो रहा है 9:08, 8 बज रही है। वो मिर्ची खा रही है, चाची उसको दिखाओ मिर्ची खाने जा रहे। हो गया? ओह माय गॉड, अभी जैसे इसकी जर्सी लाल है ना, इसी मुंह भी लाल होएगा, अभी हरी मिर्च खा गया ये। खा लो पानी ना अंश, बड़े वाली बोतल में है वो, ऐसी की ऐसी लिया बस, और मत लेइए कुछ भी। चाची थोड़ी सी तो टेस्ट। ये अब पास्ता खाते हुए पास्ता
अनु बंद कहाँ से करो इसे तो गाइस अब देखते हैं अनु कशिश क्या करेगी क्या करेगी क्या बोल रही थी क्या दोगे इसे क्या करना है इसे इन्हें करनी है क्या करेगी कशिश ये करेगी हमारी चाची की एक्टिंग वाह वाह बेटे वाह मौज कर दी ये देखो गाइस कैसी बच्चे हैं ये अपनी अपनी मम्मियों की एक्टिंग करते हैं वाह तेरी मम्मी कैसी है क्या यार तुम भी बना सकती थे दीदी अब तक कोई नहीं मैं दे दूंगी ऐसे नहीं लंबा अरे इधर ऐसे करो ये इसकी मम्मी सुबह वैसे एक ही बार होता है अब नहीं बताना चाहिए तुझे हाँ एक ही होता है चलो म्यूजिक स्टार्ट अंश का है अंश को शायद बुलाए होंगे रुक के दिए होंगे ना चल चल म्यूजिक तो बजा आ जाएगा वो मेरे को ज़्यादा लग रहा है ज़्यादा आप इसके बाद नीचे जाओगे तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की चाची आप यहीं रहना चलो चलो ये हमारा डांसर है बिल्लो रानी मैं तो डर गई आपको हम सबको हंसाना है और कोई सा हंसा दे डांस का एक मिनट अन्नू दिखली दिखली अन्नू को टास्क मिला है हंसाने का देखो दांत दिखा और गौरव को हंसाने में ये पास हो गई अंश ऑलरेडी हंसे हुए में से है वो वैसे ही हंस लेता है अब तो हो गया चिड़िया चुग गई खेत अब काहे को रोई मैं जोक सुनाने जा रही हूँ यस जोक गुड जोक भूतनी बना दी बिचारी अग्नि अग्नि गई नहीं मैं तो खुद ही हंसती रहती हूँ दुम्मा छा दिया बहू करेगी अरे करो स्टार्ट गाना वाला शर्म से लगी
मैंने इसलिए उसने किया था, उसे पता था, उसने देख लिया। वैसे वो नीचे गिरा है तो ये नहीं माना जाएगा। हाँ उसके पास था, अंश के पास था। चलो अंश, अंश को डेयर करो। ओए नहीं, ये बंद कर कर ना, बस बस रहने दो रहने दो। हाँ हाँ चल जल्दी ना, इधर जल्दी दूसरा लगा दो। गौरव तू भी नाच, बस हो गया हो गया। चलो फाइनल फाइनल ना, मुझे जान दो, मुझे नहीं रुकना यहाँ, यहाँ मेरी इंसल्ट हो गई है। कितनी देर में आओगे नीचे? 25 घंटे बाद। 25 घंटे पूरी जिंदगी नहीं होती। वो खा लियो फिर यहाँ। So guys, 9 बज गए, पार्टी खत्म, अग्नि भी बुझ गई है, प्लेटें भी खत्म हो गई है, आप देख सकते हो, बोतलें भी खाली हो गई है, कशिश भी खाली हो चुकी है, गौरव भी खाली हो चुका है, अंश भी, अंश की बड़ी मम्मी भी जो अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती, और ये अन्नू भी। तो चलते हैं सोने के लिए। ये रांडो के गानों पर डांस करेगी, ये कैसी लड़की है, रांडो के गानों पर डांस करती है। चलो गाइस, इनका एक बार डांस देख लेते हैं फिर चले जाएंगे हम अपने अपने घर। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, आई लव यू, हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय। और कोई सा दोबारा नहीं।